गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर पैटर्न्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो पैटर्न पर आधारित होंगे, यानी जैसा पैटर्न दिया गया है उसी के अनुसार उनके आंसर हमें देने होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 10, 20, 30, 40, यानी पैटर्न क्या है, इनके हर नंबर्स के बीच में 10-10 का डिफरेंस है। तो 30 के बाद 40 है, तो 40 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 50, तो हमें यहाँ पर 50 को लिखना होगा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर है 20, 22, 24, 26, यानी 20 के बाद 2 नंबर बाद क्या है, 22 है। 22 में फिर 2 नंबर प्लस करा हमने, 24 है, फिर 2 नंबर प्लस करा 26 है, तो 26 में 2 नंबर अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 28। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 28। फिर अगला पैटर्न है ई ई एफ एफ जी जी एच एच, यानी ई का नेक्स्ट जो भी अल्फ़ाबेट है एफ है, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच आता है, एच के बाद क्या आता है, आई। तो अगला पैटर्न के अनुसार आगे हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई आई। 4 नंबर में 5, 4, 3, 2, यानी बैक काउंटिंग है, 2 के बाद क्या आता है, 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर के बाद क्या आता है, एस टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एस टी। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, 40, 38, 36, यानी बैक काउंटिंग है और 2-2 में 2-2 नंबर का इनके बीच में डिफरेंस है। तो 36 से माइनस 2 करें तो कितना आएगा, 34, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा राइट होगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। एक्स के बाद नेक्स्ट क्या आता है, वाई, तो यानी नेक्स्ट क्या होगा, बी ऑप्शन सही है, वाई जेड। विच डू यू यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी पीने में क्या यूज करते हो, ग्लास से पीते हो पानी, टब से पीते हो, बॉल से पीते हो या बास्केट से पीते हो, किससे पानी पीते हैं आप, हम पानी किससे पीते हैं, ग्लास से, तो यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। विच विसल होल्ड द मोस्ट वाटर, सबसे ज़्यादा पानी किस में इकट्ठा होता है, ग्लास में होता है, टैंक, बास्केट या जग, तो किस में पानी ज़्यादा हम इकट्ठा कर सकते हैं, टैंक में, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। 1 लीटर्स में कितने मिली लीटर्स होते हैं, 10, 100, 1000 या 1, तो 1 लीटर्स इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर्स, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, इस वर्कशीट को आप अपनी नोटबुक में नीटली करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।